नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जिनको भी सिलाई सीखना है और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज का नाप लेने सिखाऊंगी, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये है हमारा ब्लाउज, इसी ब्लाउज का हम नाप लेना सिखाएंगे। ब्लाउज का नाप लेने के लिए सबसे पहले लंबाई का नाप लिया जाता है। कभी भी ब्लाउज का नाप लें तो पीछे से लंबाई का नाप लेते हैं। ये वाली जो सिलाई है यहाँ से पर इंची टेप को रखेंगे और इस टक्स के पास इस तरह से ब्लाउज का नाप लेंगे। तो ये ब्लाउज हमारा 13 इंच पर तैयार है। तो कटिंग के समय हम 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट का नाप इस तरह से लेते हैं। चेस्ट का नाप कभी भी लें तो स्टॉक्स के ऊपर से लें और गले के नीचे यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे ये वाली सिलाई के पास, और इस तरह से इंची टेप को रखेंगे यहाँ तक ये वाली सिलाई के पास तक। तो ये हमारा 18.5 इंच है। तो 18.5 का हम डबल करेंगे तो इस ब्लाउज का चेस्ट है 37 इंच, 37 इंच है इस ब्लाउज का चेस्ट। इसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप इस तरह से ले लेंगे। ये वाली ये बटन पट्टी है, इसको बाहर की साइड छोड़ते हुए नाप लेंगे। इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे और कमर का नाप ले लेंगे इस तरह से। ये ब्लाउज का कमर है 33 इंच यानी 33 इंच। अब हम ब्लाउज का शोल्डर का नाप लेंगे। तो इस तरह से पहले ब्लाउज का अच्छी तरह से रख लेंगे, तब शोल्डर का नाप लेंगे। तो इस ब्लाउज का शोल्डर है 13 इंच। तो 13 का हाफ करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। तो 6.5 में 1 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 5.5 इंच। शोल्डर हम 5.5 इंच पर कटिंग करेंगे। इसके बाद गले का नाप लेंगे। तो यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे इस तरह से। इसका गला तैयार है 7 इंच। तो हम 6.5 इंच पर गले का कटिंग करेंगे। अब पीछे का गला का नाप लेंगे। तो पीछे का गले का नाप लेने का सबसे सरल तरीका है फ्रेंड्स, पीछे वाली पट्टी को इस तरह से हम नाप लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई है 6 इंच। तो कटिंग के समय इस पट्टी की चौड़ाई रखेंगे 7.5 इंच, 5 इंच बढ़ा करके। नीचे भी सिलाई में जाता है फ्रेंड्स और गले में भी सिलाई में जाएगा, और बाकी हमारा गला रहेगा। और इस तरह से भी गले का नाप लिया जाता है। इसके बाद नाप लेंगे बाजू के लंबाई। तो बाजू है हमारा 5.5 इंच। इसके बाद बाजू के गोलाई का नाप लेंगे। इस बाजू की गोलाई है 6 इंच। इस आर्म होल को भी नाप ले लेंगे। तो आर्म होल का नाप इस तरह से लेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और ये वाली जो सिलाई है इसी सिलाई के पास इस तरह से इंची को रखेंगे। तो आर्म होल को कटिंग करने के लिए हम 6 इंच यहाँ से लेंगे, तब हमारा ये आर्म होल परफेक्ट आएगा, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर सिलाई में गया है और नीचे भी 1/2 इंच गया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम 6 इंच पर आर्म होल की कटिंग करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।